हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, एक स्वस्थ और चमकदार स्कैल्प पहली नजर में ध्यान आकर्षित करने लगता है, मगर हम सभी जानते हैं कि उन्हें पाना आसान नहीं होता है। आपको विभिन्न तरीकों को आजमाते रहना होगा और अपने सपने को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। और अगर कोई एक सीक्रेट है जिसे सभी विशेषक मानते हैं, तो वह ये है, हेयर ऑयल। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इस्तेमाल अपने हेयर पर कर लेंगे। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे हेयर को कौन सा तेल डैमेज कर सकता है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, मिनरल ऑयल। दोस्तों, एक समय में ये तेल काफी डिमांड में था, क्योंकि ये सबसे पहले केवल विदेशों में उपलब्ध था। लोग अपने प्रियजनों से इसे मंगवाते थे। ये तेल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। जी हाँ, इसे अक्सर पेट्रोलियम, सफेद पेट्रोलियम, पैराफिन, तरा पैराफिन और पैराफिन वैक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आप इस तेल का उपयोग अपने बालों में भूल से भी ना करें, क्योंकि ये हमारे हेयर्स को डैमेज करने लगता है और कुछ ही दिनों में बाल झड़ने लगते हैं। तो इसलिए आप इस तेल का यूज ना करें। नंबर दो, नींबू का तेल। दोस्तों, आप इस तेल को बेहतरीन मान सकती हैं, लेकिन लेडीज अपने बालों के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तेल में काफी एसिड पाया जाता है, जो इसके हल्के और चमकदार गुणों में योगदान देता है। और अगर आप इस तेल का इस्तेमाल लगातार करती हैं, तो ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें, खासकर यदि आपको बाल झड़ने की समस्या है तो इसे तो भूल से भी ना लगाएं। नंबर तीन, कपूर का तेल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए कपूर के तेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा उन लोगों को लगता है कि कपूर का तेल उनके डैंड्रफ को रिमूव कर उनके बालों को शाइन प्रदान करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपके बालों को डैमेज करता है और साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या को भी और बढ़ाता है। तो इसलिए आप इस तेल का इस्तेमाल ना करें। नंबर चार, अरंडी का तेल। दोस्तों, अरंडी का तेल जिससे आपको सबसे ज्यादा बचना चाहिए, भले ही हर कोई इसका फायदे ज्यादा बताता हो। दोस्तों, आपको अपने बालों पर इस तेल का उपयोग करने से समस्या ये हो सकती है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगेंगे और ऐसे लगने लगेंगे कि आपने सालों से ही अपने हेयर को वॉश नहीं किया है, और साथ ही साथ आपके हेयर्स दूर से ही ड्राई नजर आने लगेंगे। तो इसलिए आप इस तेल का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।